साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज आपां सवेर तो ही देख रहे हैं कि संत महाराज जी ने आप कृपा करके आप सारिया संगतों तो ये सेवा ली है। सब तो पहला तो मैं सारी संगतों माफ़ी मंगता हाँ। रात कई संगतों ने बेनती की कि जो बाबा जी का दरबार है वो 12 बजे तक खोल के रखो ताकि जदों तरीक बदले 1 जनवरी शुरू हो उदों संगत जिमें संत महाराज जी करते कि उन्होंने दर्शन किए जान। साडा शरीर ये अपना तो है नहीं, ये तो संत महाराज जी की बख्शिश तुहाडियां संगतां दियां अरदासां दुआं दे सार है। चाहे संत महाराज जी नूं अज शरीरक रूप च देखिआ आपां नूं 7 साल हो गए हन, सानूं तां हुण तक 8 साल 13-14 महीने हो जाणे सीगे। इह उहनां ने आप किरपा करके अपनी जो इच्छा सी उस दे हिसाब नाल दास दी ड्यूटी लाई। असी तां कदे इस तरह दीआं सेवावां ना कीतीआं सन ते ना ही सानूं मत है कि असी सेवा कर सकीए। इह तां सिर्फ उहनां ने आप कौत बसा के, बाकी आप संगतां ने अरदासां करके सानूं यह जीवन की दात बख्शी है। कई संगतां कहिंदियां ने कि तुहानूं इन्नियां बीमारियां ने आ है, सानूं संत महाराज जी ते इक्को गल दा भरोसा है कि जिन्नी देर उन्होंने सातों सेवा लेनी आ तुहाडियां संगतां दे दर्शन बख्शने हन उन्होंने लेंदे रहना है। शरीर दा जो मर्जी हो जाए होना ही है, पर छुप के बैठ के तां लुक के किसी तरीके तरह बचिया नहीं जा सकता, जदों उन्होंने बुलाना है बुलाई लेना है। इस करके मैं सारिआं तों माफ़ी चाहुंदा हाँ कि कल मेरा मन मेरे बस तो बाहर हो गया तो मैं बर्दाश्त ना कर सकिया, तो मैनू आए सी कि बे 1 जनवरी चढ़े ही ना, जे कि एक मूर्खमती तो बहुत बड़ी निशानी आ, वो तो चढ़नी हो चढ़नी है। चाहे तुसी जिथे मर्जी भोरे च छुप जाओ, खूह च उतर जाओ, जिथे मर्जी चले जाओ। तो इस करके असी फिर संगतां नूं कहा भी नहीं, असी तो बूहा बंद कर देना, असी नहीं खोलना। फिर जदों दास कमरे च गया तो घर दे कहिंदे भी ये की कीता, तुहानूं अपनी शरीर की ज़्यादा जरूरत है, संगतां दे खुशी ते प्यार की जरूरत नहीं। इस शरीर नूं आपां ने जां 2013 च सतगुरां ने भाणा बरता तां सी, जद आपां ने की कर लिया सी। इस शरीर की इन्नी सोच ना करो, अपने दरवाजा जरूर खोलना है। पर मेरा मन बहुत उदास सी, मैं फिर उन्होंने कहा मेते उठ नहीं होंदा तुर नहीं होंदा, फिर इस तरह करो सारे बच्चे तुहाडे बच्चे हन ते तुसी जाओ दरवाजा खोलो ते संगतां दर्शन करन। उत्थे असी नहीं होवांगे तां कोई गल नहीं,
क्योंकि दर्शन तो उन्होंने संत महाराज जी के करने हैं, तो संत महाराज जी आप कृपा करके दर्शन देंगे। तो फिर इस करके जो कल गलती हुई है सारी संगतों असी खिमा चाहते हाँ, अगे भी असी बहुत बार ये बेनती की आ कि सानू तां संत महाराज ने स्टेजां ते खड़ के लैक्चर देन जां होर कोई काम करन दा सिखाया नहीं, सिर्फ यही कहिंदे सी कि भाई सेवा करिया करो। तो हुण शरीर पूरा साथ नहीं दिंदा तो सेवा भी नहीं हुंदी, बस इधर ते उधर घूमते रही जाइदा, कुछ नहीं हुंदा। फिर भी असी कुछ नहीं कर सकते, पर संत महाराज दीआं प्यारीआं संगतां हुण तुसीं आप देख सकते हो कि सवेरे 5:30-6 बजे भी हाल में ही भरपूर सीगा ते हुण भी है। ये सब उन्हां दे प्यार दा सदका ते आप लोगों की हिम्मत दा सदका है। साडे कोल शब्द नहीं किहड़े शब्दां नाल तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करिए। जे तुसीं सहयोग दिंदे हो तदे अपने देख लो बच्ची पिंड बाघा बॉर्डर ते है, उत्ते ते बाबा गुरमुख सिंह जी छोटे छोटे बच्चों नाल लेके संगतों ले के एक ट्राला ते एक बस लेके आए हैं। बुढ़लाडा तो अगे उर्द साहिबवाल है जो कि माता जी का नगर सी जिथे बाबा जी बस से चढ़ के 15-15-20 दिन ला आते सी, उत्तों भी संगत आईया ने, उत्तों भी एक ट्राली के ट्रैक्टर भर के लेके आए ने। होर जिहड़े चक्कलां वाली संगत ने वह हर साल लंगर दीआं सेवा करदीआं हन ते उन्होंने आप आके लंगर तैयार किए दे नाल जो चाह पानी का दुध का गजरेले का लंगर सी वह उन्होंने चलाया। हवारे वाली संगत पहला फतेहगढ़ साहब सेवा कर दिया हन, उसके बाद फिर इत्थे आ जांदियां हन। वो किसी भी काम नूं पार्टिकुलर नहीं कहिंदे वी असीं आह काम करांगे, वो कहिंदे जो भी सेवा होगी असीं करांगे। गुरु घर की सब तो वड्डी वड्याई ही है सेवा, सारी ही उत्तम हुंदी है। संत महाराज कहिंदे हुंदे सी भाई जे किते पखे वाधू चलदे ने, लाटां वाधू चलदियां, पानी की टूटी चलती आ, वो बंद कर दो वह भी एक सेवा है। तुसी पानी बचाओगे, बिजली बचाओगे, वह भी सेवा है। जिस तरह का थोड़ा शरीर है उस तरह की जो भी सेवा, झाड़ू की सेवा कर लो, बर्तना की कर लो, जो भी सेवा मिले वह करो, वह सेवा सतगुरों के दरबार च प्रवान होंदी है। भामियां वालियां संगतां हुण चाहे संगतां इत्थे घट हन क्योंकि ज्योति स्वरूप जो संत महाराज का स्थान है, बाकी तो संगत 27 तरीक तक लंगर चला उ जिने के दिन होंगे चलाने वो हम 4-5 तरीक तक उत्तर लंगर चला दिन रात फतेहगढ़ साहब लंगर चलाने उत्ते जाने कुछ संगत इतने भी हम इवें ही लॉट नगर है दकाकर सज्जन सिंह है होर संगत ने वो बहुत डट के रात इस टाइम तो पहला आ गए थे ते हुण कदों दे कहिंदे ने भी भाई इक्को ट्राली असीं जाना है, असीं 2 घंटे लग जाने। तो मैं मजाक फिर हम मासी च कहा, मैं कहा कोई जरूरी अज जाना है, अज इत्थे रह जाओ, ये भी तो तुहाडा घर है, कल नूं चल जाओ। सानू इत्थे रहिणा 30-35 साल हो गए, सानू तां कदे नगर याद नहीं आया भी जाना है, तुसीं भी रह जाओ। वो कहिंदे बाबा जी जिवें तुसीं कहोगे इवें कर लाँगे। होर जिहड़े संगतां फग्गण माजरे रीढ़खेड़ी धोखा साहब गुरुद्वारे दीआं संगतां ने हुण आपां सारे लड़दे रहिंदे आ, संत महाराज ने सब तो लिख के रख्या है कि ईरखा दफैश नफरत ऊच नीच जात पात अमीरी गरीबी दीआं जो दुनियावी गंदां ने हे सतगुरु जी इन्हां नूं ढा दो। धोखा साहब जिथे कंठपट साहब दी लड़ियां चलदियां ने ओह 3 नगरां दा बन्ना है, अते 3 इंसानां दी जमीन सी, 1 इंसान गुरसिख सी,
दूजे ब्राह्मण बरादरी नूं ते तीसरे मुसलमान सी। उन्हां तिन्नां ने जगह दित्ती। ओह संत महाराज दे जो बचन ने पूरे रूप च सिद्ध करदे हन कि उन्हां दे मन विच मनुखता दा प्यार सी, ना कि किसी खास फिरके दा जां किसी जाति दा जां किसी होर कम दा। हुण जिहड़े अपने CTU स्टाफ है, ये तो एक साडा अनटुट अंग है जिहड़ा कि सदा इन्हां नूं जिथे मर्जी ला लो। विसाखी नूं भी 5 घंटे पाठ साहब कराउंदे ने, फिर गुरु नानक साहब के गुरपुरब नूं भी लंगरां दीआं सेवावां भी, होर भी जिवें आपां भरतगढ़ संत महाराज दे स्थान है जिहड़ा कि उत्थे 8, 9, 10 नूं लखीमपुर अजीत सर सवे विखे बाबा जी बरसी है, 10, 11, 12 नूं भरतगढ़ बाबा जी नगर है, उत्थे भी सारिया संगतां नूं बेनती है ते उत्थे भी इवें ही दर्शन दिओ। उत्थे दा जे आपां बहुत पिछे हाँ उत्थे गुरु साहिबां दा प्रकाश भी नहीं कर सके, क्यों संत महाराज दा इह असूल सी गुरु साहिबां दा प्रकाश जिथे होवे उत्थे 5 प्यारे हाजिर होने चाहिए हैं ते गुरु साहब उत्थे हन। आपां नूं ऐ समझना चाहिए कि गुरु साहब प्रतख रूप विच आप उत्थे हन, इस करके असीं उत्थे आपां हाले तक दरबार साहब नहीं सजाए। उत्थे किसी ने जिद विच आके अपने ते केस भी कर दिता है, पहलां तां केस जित के सीगे, फिर उन्हें अगे अपील पाई, उसके बाद तां कुछ नहीं होया। सानू भरोसा है सतगुर मेहर करनगे ते उह जगह, पहलां 4 बंदियां ते केस सीगा, ओह 2 बंदियां ने उह जगह आपां नूं दे दित्ती ते हुण सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक आपां है ते इक उहने वर्मा जी ने। सारी संगत अरदास करो कि वर्मा जी भी चाहे केस वापस ले लैन, चाहे सानू दे देना, इस तां मंगते हैं भिखारी हाँ, हम भीखे भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, दाता सानू बख्श दे, साडियां भुल्लां ना चतारी, औगण ना चतारी, जिहे जे भी हाँ चंगे हैं माड़े हाँ तेरे हैं, तेरिया दी तैनू लाज रखनी, तेरे ते ही भरोसा है। फिर साडे मैनेजर साहब ने वो ज्योति स्वरूप भी लंगर की सेवा करते हैं, दुध की रस की, इत्थे भी उन्होंने सेवा की, सारिया संगत इवें ही सेवा कर दिया ने। ते होर त्रिलोचन सिंह जी ने आपनों पहले ही दसता सी कि साड़ी सेहत तो कुछ नहीं करती, बस इधर ना गए इधर आ गए कि उधर चले गए, करना करवाना कुछ नहीं। एक दफा की गल है, पता नहीं 2000 दी सन दी है, अपने 2000 तो पहला दी है, इत्थे दिसंबर का महीना सी, कैंप लग्या होया सी, साडे कोल गुसलखाने बाथरूम वगैरह नहीं सी, लड़कियां ने स्नान करना हुंदा सी ते मैं जो 1-2 बाथरूम सी उन्हां दे सामने घूमदा रहिंदा सी, उदों शरीर काफ़ी तकड़ा सी ते घूमदे रहना। बच्चियां आईयां 2 8वीं क्लास दियां 9वीं क्लास दियां होणियां पक्का नहीं पता, वो कहनिया बाबा जी असी जिथे तुसी रहने उहदे सामने एक बोर्ड लिख के लाउणा है, ला दिए, मैं ला दो। उन्होंने लिखिया सेवा ते सिमरन, एक पंछी दे 2 खंभ ने, जे एक चीज़ ना होवे तां पंछी उड़ नहीं सकदा। असी तुहानूं देखिया तुसी करदे कराउंदे कुछ नहीं, सिर्फ इत्थे घूमी जांदे आ, कोई सेवा भी करया करो। सानू तां छोटी छोटी बच्चियां नहीं, 20-21 साल पहलां कहते भी तुसी कुछ नहीं करते, सच्ची मुची असी कुछ नहीं करते, जो भी है संत महाराज जी गुरु साहब जी आप कृपा करके आप संगतां तों कराउंदे हन, साडा तां एवें ही नाम लई जांदे हन। जिवें संत महाराज जी ने लिखा होया कि भाई सानू ब्रह्म दा कोई ज्ञान नहीं, ना असी ब्रह्म ज्ञानी हाँ, असी तो एक चींटी तो भी छोटे हाँ, कीड़ी तो, जिहड़ा कि अपना दाना पानी आप करती है। जिन्नियां भी सेवावां चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, हस्पताल है, डेंटल क्लीनिक है, हुण सतगुरां ने कृपा की है आई क्लीनिक भी गुरद्वारा रमाणा साहब डेंटल क्लीनिक के नाल शुरू कर दिती, हुण डॉक्टर की
फतेहगढ़ साहब ड्यूटी लग गई सी इस करके नहीं हुण फिर शुरू करांगे। इवें ही लड़कियां दे ब्याह हुंदे ने सारा कुछ जो भी सेवावां चलदियां किसान अंदोलन सी उत्थे जदों कदों भी सानूं उत्तों कोई भी हुक्म आउंदा सी संत महाराज आप भी कहिंदे सी वी भाई तुसीं भी कुछ करो असीं तां की करना सी संगतां करदियां सी। उत्थे भी डॉक्टर साहब उन्होंने अमेरिका छड गए इत्थे आके इन्नी सेवा की कि पुछो ना। तो मैं हूँ बहुत बड़ी खुशी हुई उन्होंने जेडे अपने गुलजार सिंह पहलवान तुसी सारे जानते जेडे दारा सिंह नाल लेके आउंदी पहलवान नूं उन्होंने भांजे ने डॉक्टर साहब ते इस करके सानूं तो ऐं लगता कि साडा एक परिवार है। ये सारा ही इलाका खेड़ा हंसाली होर जिन्हें भी नेड़े दे पिंड है चुनी मजरा साधुगढ़ रजिंद्रगढ़ डंगेड़िया बीपरहन ये सारे इलाके ने बहुत बहुत सहयोग दिता। तो सतगुरां अगे बेनती है सच्चे पातशाह इवें सहयोग देंदे रहो तो सेवा लेंदे रहो। बाबा दलवीर सिंह जी लखीमपुर वाले ने असी तां सिर्फ उत्थे दसवीं नूं जाने लंगर छक के मुड़ आउंदे आ। यही सारा अखंड पाठ साहबां दी होर सहज पाठ होवे जां अखंड पाठ होवे जां सुखमनी साहब दे पाठ होवे ये सारी सेवा उही करदे ने। यह जिन्नी संगत है ज़्यादातर नगर कीर्तन वाली संगत है जिहड़ी कि इत्थे आई है। बोर्ड पर जनेटियां वाले बाबा जी नूं तां इन्हां नूं असी कदे समझिया ही नहीं कि बाबा जी ने क्यों बाबा जी के बच्चे ने जदों दास बीमार सी उदों बाबा जी एक कीर्तन करते हुए बाबा जी कहते भाई कीर्तन नहीं करना इत्थे आके पाठ करया करना अरदास करया करनी ये सच्चे पातशाह परमजीत नूं छेती तो छेती तंदुरुस्त कर दो। इस करके ये तो साडा एक अंग है। इस करके हाँ जे कोई नहीं आउंदा उहदी जिहड़ी गैज हाजरी हुंदी है वह महसूस तो हुंदी है। साढ़े कई सेवादार ने ट्रस्टीज ने वह कई कारण करके आ नहीं सकते। अज बहुत संगत ने मैनू पुछया गरेवाल साहब कितने ने मैं सब नूं झूठ बोलदा कि ठीक है हुण आ जाना। असल विच गरेवाल साहब का ऑपरेशन होया है 27 तरीक नूं बाईपास सर्जरी हुई है वह उत्थे ने हुण भी अज भी वह जिन्ना डायरैक्टर लाइव डिले हो रहा सी उत्ते मिंजे दे पर बैठे भी देखते रहे ते संगतां नूं पुछते रहे किवें आ इवें आ सारे। इस करके उन्होंने सवेरे सवेरे 5:15 बजे मैनूं टैलीफोन किया कि हौसला रखना घबरायो ना बाबा जी थोड़े नाल ने कोई गल नहीं जे मैं नहीं आया तां की हो गया दिलों तो मैं थोड़े कोल आ। तुसी भी जब हस्पताल सीगे बाबा जी कोल सी तुहाडे ते तुसी भी ठीक हो गए मैं ठीक हो के आ जाना 10 तरीक नूं मैं जे ठीक हो गया डॉक्टर ने आग्या देती तो मैं 12 तरीक नूं जरूर उत्थे हाजिर होवांगा। इस करके जदों कोई अंग दुखण लग जावे चाहे लत्त है चाहे बांह है दुख तो लगता ही है। जिहड़े हुण साडे ट्रस्टीज ने कई जिहड़े नहीं आ सके उन्हां नूं पता क्यों नहीं आए पर सानूं महसूस हुंदा है कि उह क्यों नहीं आए। एडे एडी दूर तों बच्ची पिंड तों बुलाडे तों होर मुक्तसर तों फरीदकोट तों बठिंडे तों कोटकपूरे तों हुशियारपुर तों बाबा जी आए मिट्टी ढोने वाले जम्मू कश्मीर तों ये सारिया संगत आना। अगर अपने ट्रस्ट के सेवादारी ना आने महसूस तो होंदा है पर कर कुछ नहीं सकते ये संत महाराज की रजा च होंदा है कि उन्होंने कि सेवा लेनी वह सेवा लेंदे ने। हुण जिहड़े उरे साडे चौंकी है पुलिस चौंकी इत्थे भी इन्हां दा बहुत ज़्यादा सहयोग रहिंदा है ते हर वक्त हाजिर रहिंदे ने। जे किते दास नूं जाणा होवे ट्रैफिक च फस जांदा तां भी नाल हुंदे ने उत्थे करदे ने। बडाली वाले होर SSP साहब पिछे थोड़ी जी आए थे वह आप आके कह के गए भी वह करदे ने। पुलिस महकमे का सारी एडमिनिस्ट्रेशन का
एस डी एम साहब, तहसीलदार, डी सी मैडम सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे बहुत ज़्यादा सहयोग देंदे हैं ते सतगुर सानू समत बख्शन कि असी सारे का सहयोग प्राप्त कर सकीए। अगर कोई नहीं आता मैं समझदा कि साढ़े च औगण ने जिस करके वो साढ़े काम कार चंगा नहीं समझते नहीं आते। सतगुर सानू समत बख्श देन, मेहर कर देन ते सानू बुद्धि बख्श देन। हाँ जी, हाँ जी, सानू सेवा करने योग बना लेन। साडा काका है बिंदर, उन्होंने सारा बटाला करके कहते ने साढ़े को बटाले तो भी नकोदर को बटाला साहब कुलदीप सिंह बटाला उन्होंने बेटे ने वो भी आए हुए ने। अपना बिंदर है नवांशहर बटाला खरड़ को भी आए ने, वो भी बहुत सेवा करते ने ते उन्होंने तो सतगुरु में ही सेवा लेंदे रहन। कदे उन्होंने मन विच मैं ना आवे नीवे हो के सतगुरों तो सेवा लेंदे रहन अते उन्होंने जन्म जन्म नूं सफल कर दे। हाँ, गालब कलां तो जत्था साढ़े कोल आउंदा है वो संपर्क कंठ पाठ साहब करते ने। फिर कल नूं उन्होंने जाना सी किते ते परसों नूं फिर अखंड पाठ साहब आरंभ करांगे क्योंकि संगतां दा प्यार इन्ना सी जो बरसी तक असी अखंड पाठ करने सी वो कर नहीं सके। इस करके हुण कुछ पाठ जनवरी च करांगे, कुछ फरवरी च करांगे तां कि जो संगतां ने पाठ बरसी बारे लिखाए हुए सी वो है। बाहर दियां संगतां बहुत ने अपने जिन्हें भी बाहर दियां संगतां ने, बीबी है बलजिंदर कौर कनेडा तो, बलिहार सिंह है उन्होंने घर धर्म पत्नी है राज, ये सारे होर भी बाहरले बहुत संगतां ने जिन्होंने किसान अंदोलन के बीच साड़ी बढ़ चढ़ के मदद की। तो सानू कदे महसूस ही नहीं होने दिता कि असी किसी चीज़ की सानू घाट हो। सारे सतगुर उन्होंने कृपा करके नाल जोड़ के रखन। जिन्हें भी डेरे दे सेवादार ने उन्होंने बहुत डट के मेहनत की। अगे आम तौर पर असी रोटियां बनाने वाली मशीन चला लें, अज बीबिया ने इन्नी डट के सेवा की कि मशीन चलाई नहीं तविया उत्ते रोटियां पकाइया। आप जी ने देखा संगत भी किनिया सी ते कट भी किन्ना सी ते रोटियां एवं नहीं बन दियां उन्होंने बनाइया। असियां भैणा मातावां दा दिलों तय दिलों धन्यवाद करते हैं ते अरदास करते हैं कि सतगुर सच्चे पातशाह सदा ही इन्हां दे मेहरां पर हथ रखी एवें ही सेवावां लैंदे रहो। साढ़े जिन्हें भी रागी सिंह ने जां ग्रंथी सिंह ने लड़ी की सेवा करते हैं कंठ पाठां दी कीर्तन दी करते ने इन्हां दा भी बहुत बहुत सहयोग है। जदों मर्जी इन्हां नूं सेवा नूं कहो ये सदा ही तैयार रहिंदे हन। ये गुरु कृपा टी वी वाले जो है ने चैनलों वाले ये भी सारे दुनिया जिन्हां दे रले जांदी है देखदे आ। मैनू नहीं सी पता एक उत्तों बाहरों टैलीफोन आया तुसी आ बंद क्यों किया है। गुजरात विच गांधी धाम जगह है आदिपुर उत्थों आया वो नाले पंजाबी भी नहीं जानते उदास दे नाल पहला होंदे सी ते 1988-99 की गल है उतों तो बाद मिले नहीं। उन्होंने प्रोग्राम देख के पछाण लिया मेरा नाम लिया के तो वही आने कहा तुसी आ डायरैक्टर ले क्यों बंद किया। फिर मैंने संगत कह नहीं चलता फिर पता लग्या थोड़ी देर वास्ते कोई प्रॉब्लम आ गई सी बंद हो गया। मेरा कहने का भाव की है कि इन्हां दी भी बहुत बड़ी सेवा है जिहड़े दूर दुराडे बैठे संगतां नूं इस स्थान के दर्शन कराउंदे हन अते सेवा करदे हन। हुण अपना प्यारा सिंह दा नगर है जिहड़ा चुन्नी माजरा है ते इह भी जिन्नी भी संगतां बाहरों आउंदियां ने रागी ढाडी जां होर वजीर है संत महापुरश आते हैं सारियां नूं लंगर की सेवा वो नगर दे करते हैं। तो इस करके असीं तां साडा तां रोम रोम सारी संगत दा सारे सेवादारां दा ऋणी है। इको बेनती आ
कि दिल विच ना कुछ रखियो जे किसी नूं लगे कि आ कम असी गलत करदे आ सानू आके दसो ते असी दसांगे कि ये कम क्यों करदे आ जे असी गलत होए तां अपनी गलती माफ़ी मंगांगे अते करांगे। ये जिहड़ा आपां देखिया कि सारे आपां टेंट लाउंदे सी पिंदरपाल सिंह ने जदों पिछे कथा कीती सी पिछे उन्होंने कई जगह वचन किए कि उत्थे गर्मी बहुत होंदी आ फिर संत महाराज ने बेनती की महाराज कर लो हुण तुसीं सारे ही बैठे हाँ अज हुण तां लाइटां बलदियां दिने असीं कोई लाइट नहीं बालदे चानना भी हुंदा सारा ये भी सब थोड़े सहयोग नाल पिंदरपाल सिंह ने जे कहा तो गर्मी है उन्हों फिर असीं अपने लड़ बन्ने तो उन्हें कहा भी जो कमी है इन्हूं दूर करने की कोशिश करिए इवें ही असीं तुहानूं सारियां संगतां नूं बेनती करते हैं जिथे भी तुहानूं कोई गलती लगे दसो असीं करांगे संत महाराज सा तो करा लैन अपनी सड़क दो तीन साल टुटी रही संत महाराज ने कृपा की सड़क भी बन गई तो हुण बस भी चल पी है पी आर टी सी की सी टू दियां बसां तां पहलां आउंदियां हुण तां चलो घर दियां बसां पी आर टी सी वाले ने भी दो बसां ला दित्तियां पटियाले तो चंडीगढ़ वो भी सहूलतां है इवें ही तुसीं दस दिया करो तो सानू कह के वो सेवा करवा लिया करो तो साडी दा सतगुरां अगे बेनती है कि सच्चे पातशाह कृपा कर दो आप मेहर करके सेवा ले लो जिन्हें भी अपने हुण एक होर गल दसदा जदों करोना का टाइम सी संगतां दा सरकार ने बंद करतियां भी आया ना करो सड़क के नाके लवाउण लग गए उधर सानू कहण भी तुसीं हुण लंगर भेजो 5000 बंदे का 6000 का इन्हां नूं पुछे भी संगतां दे बिना लंगर बनाउणा कि ने भेजना कित्थों है फिर जिहड़े साडे राज मिस्त्री सीगे असीं इन्हां नूं कहा इन्हां ने नाल साडे लगना होर साडे सेवादारां ने लगना सेवा करनी पहलां जिसने पिछे देखे होना 2 साल पहलां जां 1.5 साल पहलां साढ़े उरे सारे लोहे दियां टीनां पाईआं होईआं सीगीआं फिर उन्होंने असी कहा भी ठीक है आपां कम करदे आं वरिंदर बड़ाला जिहड़ा कहिंदा भी फिक्र ना करो जिन्नी भी कंक्रीट दी सेवा होगी मैं करन दी कोशिश करूँगा उन्होंने कोशिश ही नहीं की सगों की तो राज मिस्त्रियों ने कम किया तो इस करके अज आपां इस हाल च बैठे हैं बरांडे देखते हैं कई संगतां बोलदियां बई सोहना बन गया कईआं नूं बुरा भी लगता एक भाई आके कहना क्या डब्बा जहा बना के रखता पहला डेरा बड़ा सोहना सीगा मैं कहा भाई सानू मत नहीं है तू साडे कोल रहा कर सानू दस दिया कर भी ऐं करना कहना मेरे कोल टाइम नहीं है मैं कहा भाई जे टाइम नहीं है जिही जी साडी मत है बुद्धि है इहो जी बनावांगे जां उहले रहण लग जा साडे कोल रह के बनवा लै नहीं तां फिर टोकना हुण साडे कोल साडा बच्चा जस बाजवा 3 नवंबर नूं शादियां सीगियां पिछले साल इन्हां दे घर दे बेटी अन्नू है कहिंदी बाबा जी तुसीं उरे ब्याह करने मैं कहा मेरा जे जस दे नाल तुसीं उरे ब्याह कर दो मैं उरे कर दांगे तीने आप अगे हो के कराया ते हर समय सेवा च तैयार रहिंदा है किसान यूनियन च भी इहदा काफ़ी सहयोग रहा साडा लड़का ईश्वरप्रीत बच्चा इहनूं भी जदों भी कोई सेवा लाओ भेजदे हैं किसान यूनियन दे पिछे अज किन्ने आप जी नूं पता किन्ने संगत आईआं किसान यूनियन दे लीडर आए सीगे होर बहुत संगत आईआं सियासी लोग भी आए पर ना साडी कोई पार्टी है ना असीं किसी दे हक च इहनां नाल विरोध च हैं सतगुरां अगे बेनती है जो संत महाराज ने दस्सिया कि भाई पार्टी बनाउणी तां गुरु साहिब दी पार्टी बनाउणी तां गुरु साहिब दे नाल है जो गुरबाणी का सत्कार करेगा असी उहदा सत्कार करांगे जो गुरबाणी का विरोधता करेगा उहदा डट के विरोधता करांगे इस करके होर जिन्हें भी इलाके दीआं संगतां ट्रस्टी भामियां वाले जिन्हें भी अपने सेवादार हैं पता नहीं मैनूं तां याद भी नहीं रहिंदा भुल भी जाईदा है सतगुरां ने कहना 60 दे बड़े पावे 70 दे बुद्धहीन अजी तां हुण 75 दे हो गए तो 80 का विहार ना भावे बस हुण न्याणे फट फुट के तोर लैंदे ने
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਖੰਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। 35-40 ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਟ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਭਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਅਰਹਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਢੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੰਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਨਾ ਵੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲ ਵੀ ਹੋਰ ਬਰੈਂਡੇ ਬਰੂੰਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੂਰਾ ਪਰੀਆ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਇਓ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀਆਂ ਰਿਹਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਗਰਾਹੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਬੋਲਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 1 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲੱਗੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਾਉਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਕਾਰ ਸਜਾਓ, ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਛੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਇਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।